गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं एक स्ट्रेटनर का रिव्यू जो मैंने अभी हाल ही में परचेज़ किया है नायका से। मैं सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ उसका एक डेमो प्लस रिव्यू मैं शेयर करूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने कौन सा स्ट्रेटनर लिया है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मैंने लिया है हेवेल्स का स्ट्रेटनर स्टाइल एंड साइन गेट परफेक्ट लुक एवरी डे। ये इंस्टेंट हीट टेक्नोलॉजी है, 45 सेकेंड क्विक हीट अप, मतलब ये 45 सेकेंड्स में क्विक हीट हो जाएगा तुरंत, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेगा हीट होने में। और सेरामिक कोटेड प्लेटेड है, 25 mm इंटू 120 mm प्लेट फॉर फ्रिज फ्री शाइनी है। फ्रिज फ्री और शाइनी है तो ये डेफिनेटली देता है, क्योंकि मैंने ट्राई किया हुआ है। अभी फ़िलहाल मैंने आज हेयर वॉश किया था तो अभी वो हट गया है, पर लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक था। इजी शेपिंग फ्लोटिंग प्लेट्स फॉर इजी स्टाइलिंग, इससे आप कर्ल भी कर सकते हो अपने हेयर, जो कि मैं करके दिखाऊंगी अगर मैं कर पाई तो, क्योंकि अभी मैं सीख रही हूँ करना। और टेंगल फ्री स्विंग कोड फॉर हैजल फ्री, मतलब जो आप लेते हो ना और फिर ऐसे ऐसे फोल्ड करना वो करना, तो उसमें जो उसका पीछे का वायर होता है वो फंसने लगता है, तो वो नहीं होगा। वो राउंड शेप में जैसे आप उसको मोल्ड करते जाओगे वैसे वो मुड़ता जाएगा। चलिए ये तो बात हो गई इसके बारे में। और इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी आई थिंक, तो कुछ कूपन कोड मिला था उसमें मुझे 1349 या 1349, टोटली बोलूँ तो 1350 का पड़ा था मुझे, 1349 रुपीज़ का पड़ा था। अभी हम इसको दिखाती हूँ मैं आपको। और ये कुछ ऐसा है, बहुत ही अच्छा सा एकदम स्लिम सी इसकी बॉडी है और हल्का सा ये राउंड शेप में भी है, जिससे कि ये जो है ना आप अच्छे से इजीली, अगर आप कर्ल आपको आता है स्ट्रेटनर से कर सकते हो, करना आता है तो आप इससे कर सकते हो, बहुत इजीली हो जाता है। और यहाँ पर इसका ये ओपन ऑन एंड ऑफ का स्विच दिया हुआ है, जिससे आप इसको ऑन कर सकते हो जब आप इलेक्ट्रिक उसमें जब आप यूज़ कर रहे हो तो इसको ऑन कर देंगे। और यहाँ पे एक लाइट भी दी गई है और साथ में यहाँ पर ये लॉक करने का सिस्टम दिया गया है, जैसे कि अभी ये लॉक हो रखा है, अभी मैं इसको पीछे की तरफ प्रेस करूँगी तो ये ओपन हो जाएगा ऐसे, और फिर इसको ऐसे किया और ये लॉक हो गया। ओवरऑल और काफ़ी ज़्यादा हैंडी भी है, ट्रेवल फ्रेंडली भी है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट वेट है। अब बात करती हूँ मैं इसकी अंदर की प्लेट्स की। आप ये देख सकते हो प्लेट्स जो है ना कि ये काफ़ी ज़्यादा एकदम स्मूथ है, मतलब आप अपने हेयर पे ऐसे अप्लाई करो ना, इतना स्मूथली चलता है बालों पे, बिल्कुल भी बाल जो है ना आपके इसमें फंसते नहीं है, खींचते नहीं है, बहुत ही ईजिली आपके बालों को स्ट्रेट कर देता है। तो चलिए अब मैं स्ट्रेट कर दिखाती हूँ। मैंने अपने हेयर को बीच से मांग निकाली है और दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ताकि आपको ईजिली दिख जाएगा कि डिफरेंस क्या आ रहा है। मैंने इसको हीट के लिए रख दिया था और आप देख सकते हो यहाँ पर लाइट भी इसमें इंडिकेट हो रही है। और ये जो इसका कोड है ये ऐसे 360 डिग्री में रोटेट होता है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये हो गया है, हीट हो गया, अभी मैंने लगाया था जस्ट, बस अब ये तुरंत हो गया है। मैं अभी छोटे छोटे सेक्शन में ले रही हूँ हेयर अपने, एंड इतना स्मूथली चलता है ना हेयर में कि पूछो मत। और ये देखो आप शाइन जैसी आ रही है ना, ये इनमें अंतर आ रहा है। ऐसे ही मैं और भी करती हूँ धीरे धीरे सेक्शन डिवाइड करके। ये देख सकते हो आप कितनी अच्छी शाइन आ रही है, और इनमें देखो आप डिफरेंस समझ में आ रहा है साफ साफ। अभी मैं इसमें से वो करके दिखाती हूँ जो कुछ इस तरह से कर्ल हो रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे ढंग से करना नहीं आता है। अभी और करके देखते हैं क्यों भैया। इसमें मैंने ये बाल लिए थोड़े, मैं इसमें कॉम कर देती हूँ और फिर अब मैं बालों में
ऐसे पका, ऐसे किया। अब जहाँ से लेना है वहाँ से ऐसे करेंगे, ठीक है। ये ऐसे हो रहा है, ये हम देख सकते हो, अच्छा हो रहा है, बट मुझे अभी करना नहीं आता ना उतने अच्छे से, इसलिए नहीं हो रहा है, लेकिन ये काफ़ी अच्छे से हो रहा है कल। कल ऐसा बन रहा है, ऐसा अभी उतना परफेक्टली नहीं बन रहा है क्योंकि मुझे अभी नहीं आता उतना करना, सीख रही हूँ मैं, धीरे धीरे सीख जाऊँगी। और स्ट्रेट तो ये देखो आप, और शाइन कितनी अच्छे से। लेकिन जब भी हीटिंग टूल आप यूज़ करो तो प्लीज़ सबसे पहले आप हेयर सीरम ज़रूर अप्लाई करो हेयर में, इससे आपके जो आप यूज़ कर रहे हो हीट जो भी है वो उतना ज़्यादा आपके हेयर को डैमेज नहीं करेगी। वो यूज़ करो जिससे आपके हेयर जो है ना थोड़े कम डैमेज होंगे। ये देखो आप कैसे स्ट्रेट हो रहे हैं यार। ये वर्क काफ़ी अच्छा कर रहा है। और ये देखो शाइन, सबसे बेस्ट चीज है ना शाइन आ रही है कितनी अच्छी वाली। बाल बिल्कुल भी इसमें मतलब फंस नहीं रहे, खींच नहीं रहे उनमें, मतलब जैसे खींचने लगते हैं तो टूटते बहुत है लगता है। मेरा पुराना जो स्ट्रेटनर है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अभी इसमें तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इतना स्मूथली हेयर पे चलता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और अफोर्डेबल प्राइस में है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। यही था मेरा इसका आज का रिव्यू प्लस डेमो। और अगर आपको ये चाहिए होगा तो मैं इसका नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से लिंक के थ्रू जा कर के परचेज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप वेबसाइट में जाके सर्च कर सकते हो, नायका पे और मिंत्रा पे, हर जगह अलग अलग सेल चलती रहती हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हो, जाकर चेकआउट कर सकते हो। हैवेल्स का है तो ये काफ़ी अच्छा है इस रेंज में। यही था मेरा आज का वीडियो, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।